बीच आयरलैंड और स्वीडन में आर्थिक मंदी के हालात बनते दिखने लगे। दूसरी तरफ इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था पर भी मंदी के बादल साफ दिखने लगे। ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन में छिड़ी जंग के बाद दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं पर एक साथ मंदी के बादल छाए हों। और ऐसा लगने लगा है कि पूरी दुनिया धीरे धीरे आर्थिक मंदी की तरफ जा रही है। आयरलैंड में तो आर्थिक मंदी आने की चेतावनी तक जारी कर दी गई है। वहां 38 साल के बाद महंगाई दर 9% के पार पहुंची है। वहां के केंद्रीय बैंक को तो महंगाई दर के जल्द 10% के पार पहुंचने का अनुमान है। कुछ ऐसा ही हाल स्वीडन का भी है। नेटो से जुड़कर रूस से भिड़ने की योजना बना रहे स्वीडन के पैरों तले जमीन खिसक रही है। अनुमान जारी किया गया है कि स्वीडन की जीडीपी बढ़ने की रफ्तार इस साल केवल 1% रहेगी, लेकिन जानकार दावा करना है कि जीडीपी बढ़ने की बजाय कम भी हो सकती है। यूरोप के ज्यादातर देशों में हाल कुछ ऐसा ही है। आसमान छूती महंगाई और खाली होते सरकारी खजाने ने बड़ी बड़ी ताकतों को बेदम कर दिया है, और इसीलिए माना जा रहा है कि हालात जल्द बेहतर नहीं हुए तो पूरी दुनिया को मंदी अपनी चपेट में ले सकती है। सबसे बड़ी वजह है कि इंग्लैंड और अमेरिका जैसी ताकतें भी इस बार आर्थिक रूप से स्थिर नहीं दिख रही और लड़खड़ाती हुई दिखने लगी है। यूक्रेन में छिड़ी जंग के बाद से कूटनीति भी कारोबार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। प्रतिबंधों के जवाब में पुतिन की चालें अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाली साबित हुई हैं। इसीलिए अमेरिका में महंगाई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। वहां का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बार बार ब्याज दरें बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ इंग्लैंड में तो महंगाई से त्रस्त लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। लंदन के रेल नेटवर्क को कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से भारी झटका लगा है। लोग पुरानी तनख्वाह में गुजारा नहीं कर पा रहे और 3 साल से तनख्वाह बढ़ाई नहीं गई। हड़ताल की वजह से 20% कम रेल चल रही है। कर्मचारी भी केवल 7% तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन रेलवे नेटवर्क के खजाने में उतना भी नहीं है। कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग और ठप हो चुके अहम समुद्री रास्तों ने बड़ी बड़ी ताकतों का गणित बिगाड़ दिया है। इधर खबर है कि संसद में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में बहस हुई। अधीर रंजन चौधरी के बयान पर लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच विवाद हो गया। कहा जा रहा है कि सदन में ये मामला उस समय का है जब सोनिया गांधी बीजेपी सांसद रमा देवी को ये बताने गई थी कि अधीर रंजन ने माफी मांग ली है। सोनिया जी टोल्ड स्मृति ईरानी दैट आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। कांग्रेस ने इस मामले में स्मृति ईरानी पर सोनिया गांधी के लिए अमर्यादित और अपमानजनक शब्द कहने के आरोप लगाए। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को गलत बताया और सोनिया पर धमकाने का आरोप लगा दिया। बागपत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें इलाके के 2 गुट के लोग आपस में एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं। छात्रों के 2 गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद गुट के लोगों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों गुटों के करीब 1 दर्जन से ज्यादा छात्र एक दूसरे पर टूट पड़े। तस्वीरों में दोनों गुटों के बीच जबरदस्त मारपीट होती दिखाई दे रही है, जबकि इस दौरान काफी लोग वहां पर मौजूद भी दिख रहे हैं, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। छात्रों के 2 गुटों के बीच हुई मारपीट का वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जानकारी पुलिस को हुई है। अब पुलिस इन छात्र गुटों की पड़ताल करने में जुट गई है। वीडियो चांदीनगर थाना क्षेत्र के प्रहलादपुर गांव का बताया जा रहा है। दोनों छात्र गुट इसी गांव के ही एक इंटर कॉलेज के छात्र बताए जा रहे हैं, जिनके बारे में पुलिस अब जानकारी जुटाने में लगी हुई है। उधर यूपी के बरेली में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हो गए। बंदरों के हमलों में अब तक कई लोग बुरी तरह घायल हो चुके हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अब घर से निकलने से भी डर रहे हैं, और अगर वो किसी काम से घर से निकलते भी हैं तो डंडे के साथ। बरेली में बंदरों का खौफ इतना ज्यादा है कि बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं। सामने आए वीडियो में कई बच्चे स्कूल जाते समय हाथों में डंडे लिए नजर आए। बरेली के अलग इलाकों में बंदरों ने अब तक कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। बताया गया कि बंदरों ने ज्यादातर लोगों को कान और हाथ में काट कर उन्हें घायल किया। खेत में काम कर रहा था तो वहाँ अचानक बंदर आ गया, मुझे देखा नहीं, एकदम कान पे हमला किया उसने, पहले कान काट लिया। जानकारी के मुताबिक बंदरों के हमलों में अब तक 37 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बरेली में बंदरों का आतंक कितना ज्यादा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां नगर निगम की टीम ने बंदरों को पकड़ने के लिए टेंडर जारी कर दिया। यूपी पुलिस का बदमाशों में खौफ नजर आने लगा है। गाजीपुर में एक बदमाश गले में तख्ती टांग कर आत्मसमर्पण करने पहुंचा। गले में आत्मसमर्पण करने की तख्ती टांगे दिखाई दे रहा ये शख्स एक शातिर अपराधी है, और ये गुरुवार को गाजीपुर एसपी ऑफिस में इसी तरह गले में तख्ती टांग कर सरेंडर करने पहुंचा। तख्ती में बदमाश ने सरेंडर करने की बात लिखी है, साथ ही ये भी लिखा है कि इसे पुलिस से बचाया जाए और अब कोई भी अपराध ना करने की कसम खाई है। गले में तख्ती टांग कर सरेंडर करने वाले बदमाश का नाम विशाल बिंद है, जो कि काफी दिनों से लूट के मामले में वांछित था।
बदमाशों के खिलाफ गाजीपुर पुलिस की ताबड़तोड़ एक्शन से बदमाश घबरा गया और उसने गुरुवार को खुद एसपी ऑफिस पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। लूट का अपराधी था वो, आज पुलिस ऑफिस में आकर उसने आत्मसमर्पण किया है। विधिक कार्रवाई जो है वो प्रॉपर तरीके से की जा रही है। वांछित अपराधी विशाल बिंद के गले में तख्ती टांग कर एसपी ऑफिस पहुंचने पर खुद पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। फिलहाल लूट के आरोपी विशाल को पुलिस ने जेल भेज दिया है। गुजरात के सूरत में नगर निगम का दफ्तर अचानक अखाड़े में बदल गया। वहाँ बैठक के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद आमने सामने आ गए, जिसके बाद वहां ऐसा बवाल मचा कि संभाले न संभला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के पार्षद महेश अनग ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को अपशब्द कहे, जिससे भड़के बीजेपी पार्षदों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद तो दोनों तरफ के पार्षदों की भीड़ बढ़ती गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। माहौल इतना बिगड़ गया कि उन्हें अलग करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा, लेकिन पार्षदों के हंगामे ने थमने का नाम ही नहीं लिया। जब जब पुलिस उन्हें एक दूसरे से अलग करती, तब तब वो पूरी ताकत लगाकर फिर एक दूसरे से भिड़ जाते, जिन्हें थक हार कर पुलिस ने किसी तरह अलग किया और बीच में मौजूद लोहे का गेट बंद कर दिया। और इस धक्का मुक्की में महिला पार्षद भी पीछे नहीं थी। भीड़ के बीच दोनों तरफ की महिला पार्षदों ने भी एक दूसरे से हाथापाई की, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद महिला पुलिस कर्मियों ने अलग किया। इधर लखनऊ के पार्क से हाथी की मूर्ति चोरी होने पर केस दर्ज किया गया। लखनऊ के आंबेडकर पार्क में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने हाथी की एक मूर्ति चोरी होने का आरोप लगाया और इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। गुजरात के बनासकांठा में बरामद की गई 25,000 से ज्यादा शराब की बोतलों को नष्ट कर दिया गया। 4 बार के फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन सेबेस्टियन वेटल ने इस साल के सीजन के बाद संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। समय वक्त गंवाए बिना हाइड्रोलिक क्रेन वहां बुलाई गई और उसकी मदद से स्कूल बस को पानी से बाहर निकाला गया। किश्तवाड़ में भी मरसूदर नदी में पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके कारण उस पर बना पुल बह गया। लोग देखते ही रह गए और पुल पानी के साथ बहता चला गया। वहां बीते 4 दिन से तेज बारिश हो रही है। इस बीच हांगकांग से सांसें अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कॉन्सर्ट के दौरान एक बड़ी स्क्रीन गिरने से भयानक हादसा हो गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में कॉन्सर्ट के लिए तैयार स्टेज के ऊपर लटकी कई स्क्रीन में एक बड़ी स्क्रीन अचानक नीचे गिरती दिखी, जो सीधे स्टेज पर परफॉर्म कर रही एक कलाकार के सिर से जा टकराई, जिसकी वजह से वो कलाकार जमीन पर गिर गई। उसके बगल में मौजूद एक दूसरा डांसर भी इस स्क्रीन की चपेट में आ गया। अचानक हुए इस हादसे की वजह से वहां चीख पुकार मच गई। इस बीच स्टेज पर मौजूद दूसरे कलाकार स्क्रीन की चपेट में आए लोगों को बचाने के लिए दौड़ते दिखे। वहीं हादसे के बाद कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई गई। उधर चीन से बहुत बड़ी खबर आई, जब वहां के वुहान में एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। ये वही वुहान है जहां से कोरोना वायरस सबसे पहले मिला था। और अब जब पूरी दुनिया कोरोना को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही है, तब चीन की जीरो कोविड पॉलिसी ने एक बार फिर वुहान में ताले जड़ दिए, जबकि वहां केवल 4 मरीजों में कोरोना वायरस मिला। रूटीन टेस्टिंग के दौरान पहले 2 लोगों में कोरोना वायरस मिला और जब जांच आगे बढ़ी तो 2 और लोगों में कोरोना वायरस मिल गया। चारों लोग पूरी तरह तंदुरुस्त हैं और उनमें बीमारी का कोई लक्षण नहीं है, लेकिन उनका इलाज करने से ज्यादा ध्यान चीन का लॉकडाउन लगाने पर है।